नमस्कार दोस्तों, देविका टीवी में मैं संजय शर्मा आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं प्रयागराज में स्थित महर्षि भारद्वाज के आश्रम में। भारद्वाज मुनि बस ही प्रयाग, ये मुख्य मंदिर भारद्वाज मुनि का आश्रम भी है, ये मंदिर भी है। पहले यहाँ पर गंगा जमुना बहती थी, बहुत बड़ा जंगल था, बहुत बड़ा मैदान टापू था, जिसके ऊपर 84 लाख ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे। उनके सबसे बड़े हेड थे हमारे भारद्वाज मुनि। भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे तो इसी रास्ते से गुजरे थे। भगवान गंगा स्नान करने के बाद इसी आश्रम में रुक करके भारद्वाज मुनि से कथा सुना और इनके सामने अपना परेशानी को बताया, बता रखा। भगवान राम सिंह वेदपुर से उतरे, सीधा भरद्वाज मुनि के कुटिया आए थे। यहाँ जब आए मार्ग पूछने भगवान राम, तो भरद्वाज मुनि जी कहे, प्रभु आप तो खुद ही विष्णु अवतार हैं, हम आपको क्या मार्ग बताएंगे। तो उन्होंने, भगवान राम ने कहा कि हम मानव जन्म लिए हैं, हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव हम आपसे ही मार्ग पूछ के प्रस्थान करेंगे। प्रभु हम इतने दिन के लिए वनवास के लिए निकले हुए हैं, जरा हमें विचार के बताइए कि हम किस दिशा में और कहाँ जाएं। इधर देखो जंगल ही जंगल दिख रहा है, पेड़ ही पेड़ देख रहा है। तो इन्होंने कहा, प्रभु आप जो है चित्रकूट जाइए, वहाँ पर आपके रहने के लिए सुंदर जगह भी है और खाने के लिए वहाँ पर कंदमूल भी हैं। भगवान यहाँ से चित्रकूट गए। वनवास के दौरान जब भगवान और आगे बढ़े तो उनके हाथों जब रावण मारा गया, तो रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए भगवान को ब्रह्म हत्या लग गई। चूँकि रावण ब्राह्मण था, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पंडित, उससे बड़ा ज्ञानी कोई था नहीं, तो ब्रह्म हत्या का पाप भगवान को भी लग गया। अब हम आप तो नहीं मानते, लेकिन उस समय मानते थे लोग। आज भी बहुत से ऐसे पूर्वज हैं जो कि ब्राह्मण की हत्या या गो हत्या एक पाप के बराबर समझते हैं। उसको मोक्ष पाने के लिए भगवान ने शिव का यज्ञ किया था। भगवान जब वनवास पूरी करने के बाद अयोध्या के लिए वापस लौट रहे थे तो रास्ते में देखा तो धुआं उठ रहा था। तो माता सीता ने भगवान से पूछा, प्रभु यह धुआं क्यों उठ रहा है? तो उन्होंने कहा, प्रभु देवी हम लोग इस समय भारद्वाज मुनि के आश्रम के करीब में पहुँच रहे हैं और जहाँ पर भारद्वाज मुनि अपने 84 लाख ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ पूजन कर रहे हैं। तो माता सीता ने उनके दर्शन के लिए इच्छा जाहिर किया। तो भगवान भरद्वाज मुनि के आश्रम पर लेकर के सीता माता को ले गया है। तो भरद्वाज जी का दर्शन करना चाहा तो उन्होंने दर्शन देने से इनकार कर दिया। बोले, प्रभु आप एक ब्राह्मण की हत्या करके आए हुए हैं और आपके ऊपर एक ब्रह्म हत्या का आरोप है, पहले आप गंगा स्नान कर लीजिए और अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना करके पूजन करेंगे, तभी आपका ब्रह्म हत्या दूर होगा, तभी हम एक दूसरे को दर्शन दे पाएंगे। तो भगवान ने इनको अपने हाथों से स्थापित किया और भरद्वाज मुनि के दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद तब यहाँ से अयोध्या गए। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज आसन प्रभु आए। ये यहाँ पर याज्ञवल्क्य के महर्षि भारद्वाज जी के जो गुरु हैं उनका मंदिर है। ये यहाँ पर सामने अत्रि मुनि और सती अनुसुईया माता का मंदिर है और यहीं से ये नीचे की ओर यहाँ पर एक ये छोटी, ये यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी की गुफा के लिए रास्ता निकलता है। यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं हैं, यहाँ संकटा माता, दुर्गा माता और कल्याणी माता ऐसा लिखा है और यहाँ है चतुर्भुजी नारायण, याज्ञवल्क्य मुनि और अन्नपूर्णा माता। तो ये यहाँ याज्ञवल्क्य मुनि की प्रतिमा है। और ये यहाँ पर भारद्वाज मुनि हैं, यहाँ पर लिखा है मुख्य मंदिर भारद्वाज मुनि। तो ये भारद्वाज मुनि हैं सप्तऋषियों में से एक और बाकी जो 6 मुनि हैं वे यहाँ पर इनके पास ही विराजमान हैं। ये यहाँ राम मंदिर है। ये यहाँ संतोषी माता की प्रतिमा और जो अभी आपने गुफा देखी थी भारद्वाज मुनि की, वैसा ही ये गुफा यहाँ राम मंदिर से भी नीचे की तरफ बनी है। प्राचीन प्रतिमा राम और लक्ष्मण की, राम और लक्ष्मण ये धनुष इन्होंने धारण कर रखा है, राम और लक्ष्मण। ये यहाँ है प्राचीन प्रयागराज जी का दर्शन करें। अभी
दुनिया के स्थान के बारे में इतना। तो दोस्तों ये यहाँ पर थोड़ा अंधेरा था इसलिए मोबाइल की फ्लैश लाइट हमने जलाई है। ये यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग है जिसमें शिवलिंग के ऊपर चार मुख बने हैं। सामने नंदी विराजमान है, यहीं पर सामने एक झरोखे में ये प्रयागराज जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पर ये जो प्रतिमा है शिवलिंग की, ये दर्शनीय है, चार मुखी शिव का ये शिवलिंग। था जो पृथ्वी को उठा ले गया था जमीन के अंदर पाताल में, तो भगवान ने सुअर का रूप धरा था, बरा अवतार उसकी मूर्ति उसके अंदर है, देख के आइए। तो दोस्तों ये यहाँ पर ताला खुलवाया है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं वराह अवतार की प्रतिमा, भगवान विष्णु का जो अवतार था वराह अवतार, उसकी प्राचीन प्रतिमा ये यहाँ बताते हैं कि गंगा नदी के किनारे पर ये प्राप्त हुई थी। तो जिनको ये जो प्रतिमा है ये यहाँ पर वराह अवतार की प्रतिमा है, और इनके पास ये शीतला माता की प्रतिमा है, और जिनको ये प्रतिमा मिली थी गंगा नदी के किनारे पर, उन्होंने इन मूर्तियों की स्थापना यहाँ पर, ये जो भारद्वाज ऋषि का जो आश्रम है यहाँ पर इन्होंने इसकी स्थापना करवा दी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है, उन्होंने पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से बाहर निकाला था। तो ये जो आप चित्रांकन देख रहे हैं नारी रूप में, ये है पृथ्वी जिसे भगवान वराह अपने, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दांत बना है, और दांत पर ये पृथ्वी का हाथ जो है ये अटका हुआ है, और ये इस तरह से जो भगवान वराह है पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों से निकालते हुए, यहाँ समुद्र से ऐसी प्रतिमा जहाँ पर जो है धरती का भी नारी के रूप में चित्रांकन किया गया हो, ऐसी प्रतिमा जो है वराह अवतार की देखनी बहुत ही दुर्लभ है, जो कि आप यहाँ पर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर पास में एक पार्क है जहाँ पर महर्षि भारद्वाज की जो है एक प्रतिमा लगा दी गई। अब यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके मन में ये भ्रम हो जाता है, वो उसी को भारद्वाज ऋषि का आश्रम या मंदिर समझ लेते हैं, और ये जो जहाँ भी हम खड़े हैं असल में ये है महर्षि भारद्वाज का असली आश्रम। और जो आपने देखा ये पार्क के अंदर जो देखे हैं, ये तो नेता लोग अपना एक रोटी सेकने के लिए VIP बना लिया है पर्यटक स्थल, जो मूल स्थान है वो ये है, भगवान भारद्वाज ऋषि का मूल स्थान ये है, वो तो पर्यटक स्थल हमारे यहाँ को घूमने और बैठने मनोरंजन करने का साधन बनाया है, लेकिन असली साधन ये है जहाँ भगवान आए थे, ये वो स्थान।